माई थोड़ा जल्दी करो, इसको पार्टी में जाना है। जल्दी करो यार, मुझे टाइम नहीं है मेरे पास। देखो मैंने आपके लिए क्या क्या लाया है। सबसे पहले तो मैंने आपके लिए मुल्तानी मिट्टी लाई है। अब मैं आपके फेस को मुल्तानी मिट्टी से इतना क्लीन कर दूंगी कि आपका चेहरा बिल्कुल गोरा हो जाएगा। तो देखो मैंने, माई मैंने देखते रहो, आपको भी ऐसे किसी और का भी चेहरा ट्रीटमेंट करना होगा तो ऐसे करना। आपको एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसके बाद आपको एक चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और इसमें ऐड कर लेना है। माई ध्यान से देखते रहना, नेक्स्ट ग्राहक का आपको ही ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी फेयर लवली लेनी है, जितना आप अपने चेहरे पे अप्लाई करते हो, उसके बाद आपको इसमें ऐड कर देना है। नेक्स्ट टाइम आपको फ्रेंड्स रोज वाटर लेना है, आपको एक चम्मच रोज वाटर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है फ्रेंड्स ग्लिसरीन। आपको आधे चम्मच ग्लिसरीन लेना है और उसके बाद आपको इन सारी चीजों को अच्छे से ऐड करके उसे सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार करना है और इस पेस्ट को आपको चेहरे पे अप्लाई करना है। लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, तो माही देखते रहो। आपको इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखो माही ऐसे करके आपको मिक्स करना है। अगर आपको रोज वाटर की मात्रा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, क्योंकि पेस्ट जो आपका है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो देखो मैंने एक चम्मच फिर और ऐड कर दिया, उसके बाद मैं सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार करूंगी। आप लोग भी देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स देखते रहिए मेरे इस रेमेडी को, ही कितनी सॉफ्ट सी बिल्कुल इजीली तैयार होती जा रही है और इससे इनका चेहरा इतना चमक जाएगा और पिंपल तो एक दिन में एक झटके में गायब हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा पेस्ट तैयार हो गया है। अब आपको इनके चेहरे पे सबसे पहले पेस्ट अप्लाई करने से पहले माई जी आपको इनका चेहरा क्लीन करना है। बिल्कुल कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले आपको कॉटन लेना है और रोज वाटर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स आपको कॉटन लेना है और रोज वाटर लेना है। ये कॉटन लिया मैंने और रोज वाटर में इसको डीप किया और उसके बाद इनके चेहरे को अच्छी तरह से आपको ऐसे क्लीन करना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप जितना भी इन्होंने मेकअप किया था उस मेकअप को आपको इसे अच्छे से कॉटन और रोज वाटर की सहायता से इसे हटा देना है। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले इनके चेहरे पे आपको थोड़ा सा ग्लिसरीन लेना है। ये देखिए मैंने ग्लिसरीन लिया है, आपको एक चम्मच में ग्लिसरीन निकालना है। थोड़ा सा ध्यान रहे, थोड़ा सा आपको निकालना है, एक से दो बूंद। और उसके बाद आपको अपने फिंगर की सहायता से इनके पूरे चेहरे पे इस तरह से मसाज करना है। माही जी आप देखते रहिए, आपको भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करना होगा अगर आपका भी चेहरा खराब हो जाए तो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको हल्के हाथों से इनके पूरे चेहरे पे ग्लिसरीन को मसाज करना है और 5 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर आप नेक्स्ट कॉटन लें और उससे आप इसे ग्लिसरीन को अच्छी तरह से इनके चेहरे से हटा लें। सिर्फ कॉटन की सहायता से ना रोज वाटर लगाना है, ना नॉर्मल वाटर, ना ही वार्म वाटर। आपको सिर्फ कॉटन लेना है और फिर इसे अच्छी तरह से हटा लेना है चेहरे से। और उसके बाद मैंने देखिए 5 मिनट पहले पेस्ट बना के रखा है, 5 मिनट तक आपको इसे बना के रखना होगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए आपको अपनी फिंगर की सहायता से, देखिए माई जी आपको अपनी फिंगर की सहायता से इनके चेहरे पे अप्लाई करना है। कुछ इस तरह से पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। जरा फेस टाइट रखो दोस्त, नहीं तो आपका चेहरा लूज पड़ जाएगा, आपकी स्किन में झुर्रे आ जाएंगी। तो फेस को अपने टाइट रखना होगा और आपको अच्छे से अप्लाई करना होगा। ध्यान रहे फ्रेंड्स आप इसको आईज पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें कोई केमिकली चीज नहीं मिलाई है जो आपके आईज को नुकसान पहुंचाए। आपके आईज पे भी कभी कभी ब्लैक्स हो जाते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, आप आईज पे भी अप्लाई कर सकते हो और काले घेरे जो होते हैं उसके पास भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इसे अच्छे से अप्लाई करना है। कितना बड़ा चेहरा लियो यार, जल्दी लगता रही है, इतना बड़ा चेहरा कितने लेने को बोला था इसमें।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनके चेहरे पे रेमेडी अप्लाई कर दी है। अब आपको इसे 15 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने देना है। माया जी ध्यान रहे, 15 मिनट का टाइम होना चाहिए, 15 मिनट तक ये रेमेडी इनके चेहरे पे रहनी चाहिए। जिसके भी चेहरे पे आप अप्लाई करते हैं तो 15 मिनट तक ये रेमेडी रहनी चाहिए। 15 मिनट के बाद आप एक कॉटन लेंगे और उसे पानी में डीप करेंगे, भिगोएंगे, और इसके बाद इसे उसी कॉटन की सहायता से आप इसे रिमूव करेंगे। तो 15 मिनट तक हम लोग कुछ बातें करते हैं, जैसे कि अपने हेयर स्टाइल के बारे में बातें करेंगे। तब तक आप आराम कीजिए, हम 15 मिनट के बाद आपके पास फिर से आते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब तक इनका चेहरा जब तक ड्राई नहीं हो जाता है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊंगी तो आप अगर बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो मेरे आने की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो देखिए, मैं इनके चेहरे को मैं भी हवा कर देती हूँ, थोड़ा आप भी हवा कर लीजिए। फ्रेंड्स माई जी, आप भी इनको हवा कर दीजिए, जल्दी से इनका चेहरा ड्राई हो जाए, 15 मिनट का टाइम है। तो 15 मिनट में इनका चेहरा ड्राई हो गया, अब मैं इनके चेहरे को वॉश करके दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने एक हैंकी लिया है, उसको वाटर से, नॉर्मल वाटर से भिगो लिया अच्छी तरह से। आपको भी ऐसे हैंकी लेना है या फिर कोई कॉटन भी ले सकते हैं आप। तो फिर आपको इस हैंकी की सहायता से इस तरह से चेहरे पे जो कुछ भी लगा है उसको रिमूव करना है, ऐसे हैंकी की सहायता से करना है आपको। आपको वाटर नहीं यूज करना है, ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको ज्यादा से वाटर नहीं यूज करना है। किसी कॉटन को ही भिगे के सारा जो भी रेमेडी लगा हुआ है उसको हटाना है। माई जी, आप भी देखते रहिए, आपको कॉटन की सहायता से सारे रेमेडी को इसके चेहरे से हटाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से आपको सारी जो रेमेडी इनके चेहरे पे अप्लाई किया गया है वो सबको आपको अच्छे से हटा लेना है। थोड़ा सा भी नहीं लगा रहना चाहिए, अच्छे से आईज के पास से, नोज के पास से, लिप्स के पास से सब कुछ आपको हटा लेना है। और उसके बाद आपको इसे 5 मिनट तक ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद फ्रेंड्स, आपको एलोवेरा जेल लेना है। आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, आप जो एलोवेरा जेल का पौधा होता है उससे भी आप जेल निकाल सकते हो और उसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलोवेरा जेल के पौधे से खुद निकाल के अप्लाई करते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है, ये देखिए मैं अपने हैंड्स पे ले रही हूँ, और आपको फिर इस एलोवेरा जेल को अपने हैंड्स पे इस तरह से कुछ जैसे आप क्रीम ऐसे करते हो वैसे आपको करना है। और इसके बाद आपको इनके चेहरे को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इनके चेहरे को अच्छे से मसाज कर देना है, ताकि जो भी इसमें डर्ट वगैरह है वो अच्छे से बाहर निकल जाए और जो भी केमिकल्स है वो एलोवेरा जेल की सहायता से बाहर निकल जाए और इनका चेहरा बिल्कुल गोरा, चिकना और चमकदार बन जाए। तो आपको 5 मिनट तक ऐसे एलोवेरा जेल की सहायता से अच्छे से चेहरे को मसाज करना है। माई जी देखते रहिए, आपको भी ऐसे करना होगा मसाज अपने भी चेहरे को, और मेरे भी चेहरे को कभी कभी कर दिया करिए, कभी कभी मेरा भी चेहरा धूप की वजह से सांवला पड़ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनके चेहरे को मसाज कर दिया। अब ये जब 15 मिनट के बाद आपके सामने आएंगी और इस एलोवेरा जेल को सुखाने के बाद, तब इनका चेहरा आप देखिए कितना गोरा, चिकना, चमकदार दिखेगा। तो 15 मिनट के बाद आपके सामने ये फिर से पेश होंगी और आप इनके चेहरे को देखते रहिए। अरे यार, तुमने तो जादू कर दिया, इनका चेहरा तो एक बिल्कुल चमकने लगा। देखो फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड बोल रही है कि मैंने जादू कर दिया, इनका चेहरा चमक गया, लेकिन मैंने तो कोई जादू नहीं किया। मैंने आपके सामने जो रेमेडी बनाई उसको इनके चेहरे पे अप्लाई किया और इनका चेहरा इतना चमकने लगा। अब ये पार्टी में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अभी अपने भाई की बर्थडे पार्टी में जाएंगी तो सारे लोगों की नजर इनके चेहरे पे ही लगी रहेगी और लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी इस रेमेडी को अपने चेहरे पे अप्लाई करिए और आप खुद ब खुद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसका कितना बेटर रिस्पॉन्स होता है। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको इसे महीने में सिर्फ 3 बार अप्लाई करना है। आप 3 बार अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपके चेहरे की चमक तो कभी जाने वाली ही नहीं है। चाहे आप सालों अगर इस रेमेडी को ना अप्लाई करें तो भी आपके चेहरे की चमक बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे इस रेमेडी से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके प्यारे कमेंट्स का रिप्लाई करने में मुझे काफी इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।